बुकारो दिन भर में आज क्यों फूका गया झारखंड के शिक्षा मंत्री का पुतला, बताएंगे। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के अंदर कैसे दिखी देशभक्ति का जज्बा, करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये भी बात करेंगे कि धनबाद में वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कैसे की जा रही है स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, और बात होगी टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा धनबाद में दिए गए 10 वेंटिलेटर की। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स सुधारों को लेकर की कई घोषणाएं। पहली बार टैक्स पेयर्स चार्ट जारी किया गया। भारत में कोरोना मामले करीब 24 लाख हुआ। भारत में एक दिन में 67,000 कोरोना मामले आए सामने। आयुष मंत्री श्रीपद नायक कोरोना संक्रमित। बेंगलुरु हिंसा में उपद्रवियों से होगी नुकसान की भरपाई। राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा सत्र होगी शुरू। राजनीतिक संकट फिलहाल टलता दिख रहा है, पायलट गहलोत ने मिलाए हाथ। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 59.14 अंक और निफ्टी 7.95 अंक घटकर बंद हुआ। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम घटी, तो वही चांदी का दाम 2000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। झारखंड अभिभावक संघ बोकारो जिला ने निजी स्कूलों के कथित मनमानी व राज्य के शिक्षा मंत्री के रवैये के विरोध में कोऑपरेटिव मोड से बिरसा मुंडा चौक तक शव यात्रा निकाला और साथ ही बिरसा मुंडा चौक पर पुतला दहन किया। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोकारो जिला के आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से झारखंड निर्माण अभियान का शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश स्टैंडिंग कमेटी सदस्य दीप नारायण सिंह ने पोस्टर जारी कर की। आम आदमी पार्टी बोकारो जिला की ओर से झारखंड निर्माण अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में देर रात कोरोना के 35 नए केस की पुष्टि हुई है, तो वही 27 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे, जिसके बाद जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 170 रह गई है। अब खबर स्कूल जगत से। बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा बना रहे और देश के प्रति उनका आदर हमेशा रहे, इस भावना को लेकर मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन देशभक्ति कविता और कोरोना वॉरियर रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहती जहां ज्ञान की धारा वो भारत हमें जान से प्राण, सीताराम की धरती है जो ऐसा भारत देश हमारा, है भारत की शान तिरंगा इसे ना झुकने देंगे हम, वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देंगे हम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुसी जाऊं, चाह नहीं तेरे माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरी डाली जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। पैरा मेडिकल स्टाफ, हमें भी अपनों को गले लगाने का मन करता है, लेकिन हम अपने अरमानों को दबाकर घर की चौखट के बाहर ही रह जाते हैं। सफाई कर्मचारी, जिंदगी से पहले फर्ज है, काम भी बहुत जरूरी है, हमें इस बीमारी को हराना भी बहुत जरूरी है। इन कोरोना रक्षकों का सम्मान कीजिए, कोरोना को देश से लड़ने का मान रखिए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पर मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चों की देशभक्ति के साथ अब जान लेते हैं बाजार में चढ़े देशभक्ति के रंग की। हमारे कार्यक्रम बाजार में इस बार हमारी संवाददाता ने स्वतंत्रता दिवस पर 3 रंगों में सजे बाजार का दौरा किया, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हर साल कुछ दिनों पहले से ही बाजार झंडे और 3 रंगों की चीज़ों से भर जाता है। इस बार बाजार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ नया है, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं सेक्टर 4 सिटी सेंटर में। हेलो,
प्रकार के झंडे आए हैं? इस बार बहुत तरह के झंडे आए हुए हैं, कुछ नया भी आए हुए हैं, बैच उच में नया आए हुए हैं, बड़ा झंडा में भी बहुत बड़ा साइज आया हुआ है इस बार। ये सबसे बड़ा साइज इस साल इस बार आया हुआ है, 300 का आएगा आपको, इससे करीब करीब 2.5 मीटर होगा, इससे छोटी इस टाइप का आएगी, ये 1.5 मीटर का होगा। 1.5 मीटर साइज और वेट 150 का आएगी। कपड़ा के अलावा फिर प्लास्टिक का झंडा तो बैंड लगा हुआ है, कपड़ा के अलावा सिर्फ कपड़ा ही झंडा है, इसमें बहुत वैरायटी आया हुआ है। कितने कितने साइज के झंडे अभी आए हुए हैं इस बार? नहीं, बहुत हर साइज का मिल जाएगा आपको, जितना साइज छोटा से लेकर एकदम बहुत बड़ा तक मिलेगा। अच्छा, रेंज क्या क्या? रेंज 10 रुपया से लेकर 300 तक, बैंड 10 रुपया से लेकर 30 रुपीज तक आएगी, 10 रुपीज से लेकर 30 रुपीज तक हर साइज में इसमें आएगा। वो कैप का रेट 20 रुपीज है। इस टाइप का स्टैंड आया हुआ है, ये 100 से लेकर 200 तक आएगा। क्लॉक लगा हुआ भी आएगा 200। फिर सिंपल में स्टैंड है, ये 50 की है, इसमें सिंपल में ये आएगी 80 रुपीज़ की। स्टैंड वाला ज़्यादा बिकता है कार में लगाने के लिए, आदमी अपना सजाने के लिए, बच्चों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा झंडा ये वाली है। ये कितने रेट का? ये 20 का है, इसमें आपका 60, 70, 80 तक आया हुआ है इसमें। ये बेच 20 रुपीज़ का है, ये 10 रुपीज़ का आएगी, ये भी 10 रुपीज़ का है, ये डबल फ्लैग है, 20 रुपीज़ की आएगी, ये भी 20 रुपीज़ की है। इस बार तो स्कूल्स बंद है, तो क्या झंडे की बिक्री हो रही है? नहीं, झंडा का बिक्री पहले के मुताबिक बहुत कम हो रही है। अच्छा। लेकिन फिर मनाने वाला फिर अपना घर में या ऑफिस में या दुकान में अपना सब लेके जा रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन उस तरह का बिक्री नहीं है जिस तरह का स्कूल खुलने के बाद होती थी। हमने बाजार का जायजा लिया और काफ़ी झंडे देखने को मिले, साथ ही कई 3 रंगों की चीज़ों को भी हमने देखा। हालांकि इस बार बाजार में वैसी रौनक नहीं है, लेकिन दुकान लगे हैं। ऐसे ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। इस बार हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस साल भी हर साल की तरह परेड की रिहर्सल जारी है। बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह और SP चंदन कुमार झा ने आज सेक्टर 12 के पुलिस लाइन मैदान में परेड का फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की भी समीक्षा की गई। वहीं इस कोरोना महामारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सारे जितने भी इसके मानदंड हैं उसका बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, उसी तरीके निर्देश दिए गए हैं। इस बार हमने कोशिश ये की है कि कम से कम जो है गैदरिंग की जाए। इस पेंडेमिक के समय सब चीज़ों में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। आप देखिए लोगों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा, हम लोग नहीं है इन्वाइट कर रहे हैं लोगों के साथ, प्लेटफॉर्म है, बट जो प्रोसीजर है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सारा फॉलो होगा। हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत हर्षोल्लास का दिन होता है जो हम लोग खुशी से मनाएंगे, बट सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। बोकारो के बाद अब नजर धनबाद की खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को गोल्फ ग्राउंड में परेड का रिहर्सल किया। वैश्विक महामारी के वजह से इस बार गोल्फ ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का समारोह सादगी से मनाया जाएगा। टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से धनबाद में 10 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए। वेंटिलेटर प्राप्त करने के बाद धनबाद उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को 18 वेंटिलेटर मिले हैं। उन्होंने कहा वेंटिलेटर का उपयोग कोरोना के संक्रमित गंभीर मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा। हमारे पास आज के डेट में जिले में सफिशियंट संख्या में वेंटिलेटर प्राप्त हो गए हैं और सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा हम लोगों ने ये प्लान किया है कि कैथ लैब में भी हमारे 30 बेड के ICU बनेंगे और उसके बाद फिर सदर अस्पताल में भी हम लोग ICU बनने की तैयारी में हैं। सर, जहाँ जहाँ COVID-19 हेल्थ सेंटर बनाया गया है उन सभी जगहों पर? सभी जगहों पे नहीं दिया जाएगा, हम लोग 3-4 जगहों पे चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेंट्रल हॉस्पिटल है, कैथ लैब है, जामाडोभा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सदर अस्पताल, 4 जगहों पे हमारे वेंटिलेटर रहेंगे और ICU बेड रहेंगे। धनबाद से CSR के तहत यहाँ पर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों से अप्रोच किया, हम लोगों ने अपने टाटा मैनेजमेंट से बात किया, टाटा सन्स से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने इसको तुरंत ही इसको एक्सेप्ट किया और बॉम्बे से ये NHM में जो हम लोगों ने सप्लाई किया है सेम वेंटिलेटर को हम लोगों को यहाँ पर 10 पीस सप्लाई किया है जो कि धनबाद हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे और धनबाद हॉस्पिटल के थ्रू हम लोग जो धनबाद के जितने भी लोग आ गए उनके लिए वेंटिलेटर एक जीवन रक्षक के रूप में काम करेंगे, तो इसीलिए ये यहाँ पर दिया गया है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम में बदलाव के साथ ही लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
मौसम सुहाना हो गया है और कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से आज लोगों को छुटकारा मिल गया है। आज दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचोली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। चंदन क्यारी के दास टोला निवासी मनोरंजन दास ने अपनी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना में केस दर्ज कराया। नावाडी के आजसू प्रखंड संगठन ने खिलाड़ियों के बीच जर्सी, फुटबॉल और मास्क का वितरण किया। पेटरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 54 लोगों का सैंपल लिया गया। मार प्रखंड के पाडी ग्राम निवासी गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्षेत्र में उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। चंद्रपुरा क्षेत्र के BSNL के मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बाधित होने से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने बुधवार को प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए 64 लोगों का कोरोना के जांच के लिए सैंपल लिया। बेरमो प्रखंड फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 में शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर पाइपलाइन बिछाने का काम बुधवार को शुरू किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन बोकारो और धनबाद की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहे thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।